और लूज टॉफी कहाँ मिलती है, क्योंकि आपको पता ही है मेरा स्वीट्स का काम है मिठाइयों का, लेकिन मेरा चॉकलेट का काम नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कमेंट्स करते हैं कि आपके पास बिस्कुट मिलते हैं, नमकीन मिलती है, टॉफी मिलते होंगे, रस मिलते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ मेरे पास टॉफी और चॉकलेट नहीं है। आपके लिंक में होंगे, आपको जानते होंगे, आपको पता होगा तो हमें बता दें। वैसे तो उनका कहना सही है, ये चीज जरूर देखी होगी जो दिल्ली से बाहर दुकान है, यानी परचून की दुकान है, डेयरी है या कोई सी भी दुकान है, वहां पर खुली टॉफियां जरूर मिल जाती है। खुले पैसे नहीं होते हैं तो दो टॉफियां पकड़ा दी या 2 रुपए का कोई लफड़ा आता है जब भी दे दी। वैसे हर बर्थडे में, जन्मदिन में हर जगह बिकती हैं और इसका भी एक होलसेल का बिजनेस करके आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। टॉफियां क्या रेट आती है आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कम दाम में, यानी 50 रुपए किलो से शुरू हो जाती है, जिसके अंदर टॉफियां 700 पीस निकलते हैं, 800 पीस निकलते हैं। मुझे पता है कि कहां पर मिलती है, जानकारी है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। बिजनेस अगर होलसेल में करना चाहते हैं तो बिल्कुल कम प्राइस में, यानी कम दाम में शुरू हो जाएगा और एक नया बिजनेस आइडिया है, आप इसे कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज सारी बातें इसी बारे में होंगी दोस्तों, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है और बिजनेस की जानकारी आपको फ्री में मिलती रहती है। मैं सुनील राठौर सुंदर स्वीट से। वैसे तो सबसे बड़ी मार्केट एशिया की सदर बाजार है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े होलसेलर बैठे हैं, जो आपको पता है 25 पैसे की टॉफी आती है वो किलो क्या रेट है, क्योंकि अगर मार्केट में आप लेने जाएंगे तो वहां पर अलग अलग रेट में मिलते हैं। इनका होलसेल रेट बता रहा हूं मैं, 160 रुपए किलो भी पहुंच जाता है। मैं आज बताऊंगा आपको कि इनका असली होलसेल रेट क्या है। 50 रुपए से होलसेल में शुरू हो जाती है टॉफियां। 1 किलो अगर टॉफी लेते हैं जो आप 25 पैसे की खरीदते हैं, उसके अंदर 700 पीस निकलते हैं। जो आप देख रहे हैं 50 पैसे वाली टॉफी है, जो गोदाम भरे पड़े हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी फ्लेवर इनके कई फ्लेवर मिल जाएंगे। जो 50 पैसे वाली टॉफी आप खरीदते हैं उसका भी रेट 85 रुपए है, लेकिन उसके अंदर 480 पीस आते हैं। जो 1 रुपए की टॉफी आती है वो भी 85 रुपए के जी आती है, लेकिन फ्लेवर उसमें भी कई सारे मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर 280 पीस निकलते हैं। सभी प्रकार की चॉकलेट है, देख सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स है हमारे जो चॉकलेट का बिजनेस करते हैं, टॉफियों का बिजनेस करते हैं, उनके पास क्या है कि मार्केट में बहुत बड़े होलसेलर बैठे हैं, जो वहां से मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री से सीधा खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं। लेकिन फैक्ट्री में जो रेट मिल रहा है 85 रेट है, 75 रेट है, 70 वाली ले सकते हैं, 85 रुपए वाली ले सकते हैं, 87 रुपए किलो ले सकते हैं, 100 रुपए किलो भी ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी में आ गई है, उनको भी आप ले सकते हैं। दिल्ली में जैसे सदर बाजार जाएंगे तो ये बतासे वाली गली आपने सुनी होगी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होलसेलर बैठे हैं चॉकलेट के। अगर और भी जैसे दिल्ली से बाहर बैठे हैं जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, पटना के अंदर बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है जो कि चॉकलेट ही बनाती है, उसके पास सभी प्रकार में मिल जाती है, उनका भी रेट बहुत ही अच्छा है। इंडिया में हर कोने में जा रहे हैं, फ्रेंड है अपने उनसे कर रहे हैं, भाई हर किसी के पास इतनी पूंजी नहीं होती है जो अपनी फैक्ट्री खोल सके, दुकान खोल ले या होलसेलर बन जाए। तो वो लोग क्या करते हैं कि रिटेल में ही कुछ चॉकलेट उन्होंने ली या टॉफियां ली और मार्केट में सप्लाई दी, शाम को पता चल जाता है कि इतना पैसा प्रॉफिट आ गया, कल उसी पैसे से दूसरा माल उठाया उन्होंने, फिर मार्केट में सप्लाई कर दी और नगद का बिजनेस हो जाता है। भाई जिसके पास कम पूंजी है वो भी तो बिजनेस करना चाहता है, उनको भी बिजनेस करने का अधिकार है, वो भी चाहते हैं बिजनेस करें, लेकिन आइडिया नहीं आता कई लोगों पे। तो ये चॉकलेट का या टॉफी का बिजनेस करके वो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कम पैसों में शुरू हो जाएगा। सदर बाजार दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, वहां से माल खरीद ले। जो चॉकलेट के भाव नहीं पता होता आपको, कई रेट ऐसे है कि रेट नहीं पता कई भाइयों को, तो 85 रुपए किलो आ जाती है जो सबसे अच्छी होती है। 50 रुपए किलो वाली पे ना जाए और 85, 100, लेकिन जो 1 रुपए, 50 पैसे या 25 पैसे की बात करता हूं तो आपको वही चीज मिल जाएगी, लेकिन रेट वही रहेगा। 25 पैसे वाले में 700 पीस हो जाते हैं, 50 पैसे वाली में 400 से 500 पीस होते हैं और 1 रुपए वाली में 250 से 300 पीस आसानी से निकलते हैं। आप अच्छा बिजनेस है, हर कोई कमाना चाहता है रिटेल में, इनको मार्केट में लेकर लोग 150 रुपए बेचते हैं, 160 बेच रहे हैं, लेकिन आप सीधा वहीं से उठाएं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में क्या रेट बिक रही है ये आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो भाई जानना चाह रहे थे कि कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई और भी सवाल रह गया हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का दोस्तों पैसा नहीं लगता, बिजनेस की अच्छी अच्छी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।